2 साल लॉकडाउन और कोरोना की दहशत से भले ही दुनिया में बहुत कुछ थम गया था, लेकिन परमात्मा के लिए बच्चों के प्यार में कहीं कोई ठहराव नहीं आया। बल्कि इन 2 सालों में बाबा के प्रति बच्चों के प्यार में बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, कितने नए बच्चों को तो इसी लॉकडाउन में अपने परम पिता शिव की पहचान मिली और वे मैग्नेट की तरह आकर्षित होकर मधुबन दौड़े चले आए। ये उस पिता का प्यार ही है जो उन्हें इतनी दूर से यहाँ मधुबन खींच कर ले आया है। तो चलिए आपको बाबा के उन नए बच्चों से रूबरू कराते हैं और उनके अनुभव सुनाते हैं जिन्होंने हाल ही में अपने दिल में बाबा को समाया है। मेरा अनुभव है कि यहाँ मैंने 2 साल के अंदर ये जो ये हुआ लॉकडाउन हुआ इसके अंदर बहुत मुश्किलात आए थे ना। इधर आते वक्त भी बहुत मैंने बिकना आए और मैंने कई तरह के लोग अब कहने लगे मत जाओ मत जाओ, ये होगा वो होगा, है ना। आखिर बाबा के प्यार बाबा के स्नेह खींच कर ले आए। बहुत खुशी से आया और बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा कि यहाँ स्वर्ग में आया हुआ जैसे लग रहा है कि हम लोग एक स्वर्ग में पहुँचे हैं। हम अब तक टीवी पे सभी दादियों को दीदियों को देखते रहे, लेकिन अब जब हम बाबा के घर पे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब दीदियों से हम मिले, अब उनके साक्षात दर्शन हो गए हमको, इसलिए हम बहुत खुश है। दरअसल हम इस बाबा मिलन में आए ईस्टर्न जोन के बच्चों की बात कर रहे हैं। ये जोन सबसे बड़ा जोन कहलाता है क्योंकि इस जोन में कई शहरों से लोग आते हैं, जैसे नेपाल, दार्जिलिंग, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और धनबाद। किसी ने खुद को बाबा की बेटी कहा तो किसी ने उन्हें अपना साजन कहा। जी हाँ, वैलेंटाइन का ये खास मौका जब वे अपने साजन यानी बाबा के साथ यहाँ मधुबन में हैं, इस बात की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। मुझे बाबा ने यहाँ पे बुलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ पे आ सकी, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। ओम शांति। मैं आज बाबा साजन बना रहा है, मेरा साजन बना रहा है, बोलता है मैं आया हूँ, अच्छा लगता है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं धरती पे नहीं हूँ, मेरा पांव धरती पे नहीं है, मैं जो आसमान में उड़ रही हूँ। जैसे कि मेरे पास बाबा है, अब मुझे बाबा मिल गया है, स्वर्ग में आया हुआ जैसे अनुभव लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जैसे कि अब यहाँ यहीं पर बैठी रहूँ, कहीं ना जाऊँ, वहाँ पर घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा का प्यार इतना मिला है जो हमने इतने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बाबा हमको खींच लाया, और क्या बोल नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ आया तो देखा जहाँ कि वो एक फरिश्तों की दुनिया है, वो जाने के लिए भी मन नहीं करता। तो आपने सुना कि कैसे बाबा की बच्चे जो है ये कह रहे हैं कि ये स्वर्ग लग रहा है, ये फरिश्तों की दुनिया है। और सबसे बड़ी बात जो लगी, जो इन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे आज है और वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें अपना साजन मिला और बाबा को और बहुत सारी सजनियाँ मिली। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें बाबा तो कई साल पहले मिल गया था, लेकिन मधुबन आने का सुनहरा मौका पहली बार मिला है। तभी तो कितने बच्चे दूर दराज से सभी बाधाएं और मुश्किलें पार करके यहाँ बाबा से मिलन मनाने पहुंचे हैं। उनका अनुभव यही कहता है, तू मिल गया तो जैसे जहां मिल गया, किसी और चीज की कमी नहीं जिंदगी में। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सभी भाई बहनों को मतलब एक साथ सेवाएं देते हुए इतना आपस में मेलबंधन और एक दूसरे से जितना प्यार, ये भगवान का शिक्षा के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहीं पे नहीं है, और सभी को यहाँ आना चाहिए, यहाँ जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से बाबा के बच्चों में कोई गीत के द्वारा अपने भाव को प्रकट कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो स्वर्ग है, भगवान के द्वारा बनाई गई नगरी, और यहाँ पे जो प्रेम भाव होता है वो कैसे इन्हें मैग्नेट की तरह इतने दूर देशांत से खींच कर यहाँ लेकर आता है। तो आप भी हमारे साथ इसी तरह बनी रहिए और हर बाबा मिलन को इसी तरह इंजॉय करते रहिए।
ऐसी विशेष स्टोरीज देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए लगातार मधुबन से जुड़ी हर जानकारी लेकर आएंगे और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।